हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 45 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में टॉक बैक की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको अपने मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कैसे करना है। देखिए, जब कभी हमारे मोबाइल फ़ोन में टॉक बैक सेटिंग अपने आप चालू हो जाती है या फिर गलती से चालू हो जाती है, तो हमारा मोबाइल फ़ोन नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता है। हमारे मोबाइल फ़ोन के सिस्टम में से आवाजें आने लगती हैं और आप कोई सा भी ऑप्शन या एप्लीकेशन आप टच करते हैं तो आपको ये ग्रीन लाइन आपको दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो आपको देखिए मोबाइल फोन को कंट्रोल करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जो स्क्रीन है ना, इसे आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए आपको अपने किसी भी हाथ की ना दो उंगलियों का एक साथ यूज करना है, ऐसे तब जाके फोन की स्क्रीन आपकी काम करेगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में कोई सा भी ऑप्शन अगर आपको चालू या फिर बंद करना है तो पहले उस ऑप्शन पे एक सिंगल टैप करना है ऐसे, फिर उसी ऑप्शन पे डबल टैप करना है ऐसे, तब जाके वो ऑप्शन आपका चालू या फिर बंद होगा, जो भी आप उसे करना चाहेंगे। ठीक है, इन दो बातों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूं टॉक बैक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। ठीक है, ये जो सेटिंग का ऐप है ना, इसे टैप कीजिए। अब इस पे डबल टैप करना है तो आपका सेटिंग का पेज आएगा। अब इसमें आपको दो उंगलियों से पेज को ऊपर करना है, तो आप नीचे आएंगे ना तो ये ऑप्शन मिलता है आपको एक्सेसिबिलिटी, इसे सिलेक्ट करना है। अब इस पर डबल टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये पेज आएगा ना, इसमें आपको नीचे ये टॉक बैक का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब इस पर डबल टैप करना है तो आपका टॉक बैक का पेज आएगा ना, इसमें आपको नीचे यूज टॉक बैक के सामने इस बटन को बंद कर देना है, चालू है ना, इसे बंद करना है, तो इसे टैप कीजिए बटन को। अब इस पर डबल टैप करना है तो आपका ये पेज आएगा, इसमें स्टॉप का ये बटन है, स्टॉप पे टैप करना है। अब स्टॉप पे डबल टैप करना है तो आपका ये बटन जो है ये बंद हो जाएगा। इस तरीके से आपके टॉकबैक की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है।